सुकरात का नाम आपने सुना है, द ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री। और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है। दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे। दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना इसको, माताएं बहनें और ज्यादा ध्यान से सुने। अरस्तु कहता है और ये सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती, स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी, कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है, स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये दर्शन है सुकरात का, ये दर्शन है अरस्तु का, जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग PhDs करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा, जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया। और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता। ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं। और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया। लेबनिट्ज भी वही कहता है, डिकार्ते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसोफर्स यही मानते हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है, महिला वस्तु की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो।